तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बालोतरा के नाकोड़ा में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की निजी रिजॉर्ट में पार्टी नेताओं के साथ मंत्रणा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कई समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी इस निजी रिजॉर्ट में है। सीएम का जैन तीर्थ नाकोड़ा और साथ ही माता रानी भटियाणी मंदिर में दर्शनों का कार्यक्रम। इसके पश्चात भीनमाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शिरकत भी करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद राजसमंद पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। आज के दिन के कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, शाम में जयपुर लौटने का कार्यक्रम। इसके बाद में उनका है 6:30 बजे के आसपास का समय जब वो जयपुर फिर से लौटेंगे। लेकिन देखिए, दूसरे चरण के चुनावों को लेकर अब राजस्थान की बची हुई 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खासा फोकस, क्योंकि 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को हुआ। मतदान प्रतिशत की कमी चिंता बढ़ा रही है पार्टियों की, इसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में, लेकिन अभी इस चीज से वाकिफ होकर और खास तौर पर 19 अप्रैल की शाम से ही दूसरे चरण की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादातर टॉप स्टार प्रचारकों को, केंद्रीय नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर ये तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान में मेवाड़ और वागड़ का हमेशा से प्रभाव रहा है। मेवाड़ की राजनीति और जनता को साधने के लिए अमित शाह की कल तस्वीरें आपने देखी, वो पहुंचे थे, लेकिन वागड़ भी के बेहद खास। और ऐसे में राजस्थान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के पहले दौरे पर पहुंच रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा आज बालोतरा के नाकोड़ा धाम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जहां निजी रिजॉर्ट में पार्टी नेताओं के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। चुनावी चर्चा, आखिरी स्ट्रैटेजी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कई समाज के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात है। आज महावीर जयंती का मौका है और ऐसे में ज्यादा क्या तस्वीरें वहां पर कहती है, क्या जानकारी है, क्या फिलहाल चल रहा है, ये सभी बताने के लिए हमारे साथ सहयोगी बंशी इस समय जुड़ चुके हैं। बंशी, सीएम जैन तीर्थ नाकोड़ा और माता रानी भटियाणी के दर्शन तो करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बैठक रिजॉर्ट में जारी है जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। कौन कौन पहुंचा है और किन बिंदुओं पर फिलहाल बैठक में चर्चा जारी है? बंशी, हाँ देखिए, बाहर निकले हैं, बाहर निकले रिसोर्ट के अंदर बंद कमरे के अंदर अलग अलग समाज के प्रतिनिधि है, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, वन टू वन संवाद कर रहे हैं और साहित्यिक मैसेज यही दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को के यहाँ के प्रत्याशी को जिताया जाए, उस संबंध में सीएम साहब वन टू वन संवाद कर रहे हैं। इस दौरान राज्य मंत्री के विश्नोई है, स्थानीय विधायक अरुण चौधरी है और कई भाजपा के पदाधिकारी भी साथ हैं सीएम साहब के, और लगातार उनके ये बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों के साथ सीएम की मुलाकात लगातार जारी है। लेकिन बंशी, वो सीट है बाड़मेर सीट जिसपे कैलाश चौधरी भारतीय जनता पार्टी की, उम्मीदवार राम बेनीवाल कांग्रेस, लेकिन जो तीसरा नाम है वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, रविंद्र भाटी, जो कि निर्दलीय ताल ठोक चुके हैं और उसके बाद भी लगातार भीड़ के रिकॉर्ड और शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भीड़ के जरिए सामने आती रहती है। क्या इस बात की भी कहीं ना कहीं कोई फिक्र है पार्टी को, जिसको लेकर की ज्यादा कोशिश जारी है बाड़मेर सीट पर? जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डैमेज हो, ये सीट उनके हाथ से जाए, इसी को लेकर ही लगातार सीएम साहब पिछले दिनों बाड़मेर भी आए थे और कल दिन में बालोतरा के केंद्र। लेकिन बंशी, ये बताइए, क्योंकि अभी आप मंदिर में भी पहुंचेंगे और मंदिर पहुंचकर, क्योंकि आज महावीर जयंती भी है, ऐसे में वहां पर मौजूद प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात होगी, समाज से जुड़े हुए कई लोग पहुंचेंगे, कोई अलग कार्यक्रम इसके पश्चात? देखिए, अभी अलग कार्यक्रम नहीं है क्योंकि अलग अलग समाज संगठनों के साथ में देर रात तक मुलाकात हुई, सुबह भी मुलाकात हुई है और अभी जो कार्यक्रम, जो जानकारी हमारे पास है कि नाकोड़ा तीर्थ जैन तीर्थ है, वहाँ पर सिर्फ दर्शन के कार्यक्रम है, उसके बाद में माता रानी भटियाणी मंदिर है, दोनों ही नजदीक नजदीक में मंदिर है, लगभग 4-5 किलोमीटर के दायरे में, तो दोनों ही मंदिरों के दर्शन का ही कार्यक्रम है। जी जी मंजी, और क्या जानकारी मिल रही है अभी बैठक से? देखिए, क्योंकि लगातार बैठक चल रही है बंद कमरे के अंदर, सीएम साहब अभी जो ताजा अपडेट ये है कि कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनसे वन टू वन संवाद कर रहे हैं और दूसरे जो वरिष्ठ नेता है उनको भी पास में कहते हैं और वन टू वन संवाद करके पूरी यथास्थिति को जान रहे हैं। क्या यथास्थिति है बंशी, आप बताइए, क्योंकि आप भी अभी सीट और लोगों की फितरत को देख रहे होंगे, चुनावी फितरत क्या कह रही है बाड़मेर की? और अगर खासतौर पर कैलाश चौधरी लगातार जनसमर्थन में जुटे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और आज जो सभा है, जो मुलाकात है, उसके जरिए किस संदेश को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इस बैठक के बाद?
देखिए जिन साहब ने रात को जो बूथ सम्मेलन किया था उसमें भी यही संदेश दिया था कि अपना बूथ किस तरीके से जीते और इस तरीके की रणनीति के साथ में कार्यकर्ताओं को मैदान में जाने का ऐलान किया है, क्योंकि 26 अप्रैल को भी मतदान है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है और सीएम शर्मा ने भी देर रात के बाद में अभी भी यही संदेश दे रहे हैं कि कहीं पर भी कोई डैमेज दिखे तो उसको कंट्रोल किया जाए, कवर किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान किसे हो, अधिक कैसे हो, इसको लेकर लगातार टिप्स भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल बंशी, सरहदी सीट बाड़मेर में गर्मी के बढ़ने के साथ तापमान भी बढ़ोतरी पर है और चुनावी तापमान क्या है 26 अप्रैल को पता लगेगा। शुक्रिया आपका।